देख रहे हैं आपका चैनल लीडर जिला सोलन की उप तहसील कृष्णगढ़ के अंतर्गत पटवार वृत्त जाडला के तहत रोपड़ गांव में शनिवार शाम 4 बजे बरसात और तेज हवाओं के चलते एक गौशाला पर भारी भरकम पेड़ गिर जाने से गौशाला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पेड़ गिरने के कारण इस गौशाला में बंधे हुए पशुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया और सभी पशु ठीक हैं, पर गौशाला की छत और दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मेरा नाम ताराचंद है जी। सर ये अपना 29 तारीख को ठीक 4 बजे के आसपास जब बारिश हो रही थी उस टाइम ये जो सामने आप ऊपर पेड़ देख रहे हैं चीड़ का, ये पूरा पेड़ जो है मेरी गौशाला के ऊपर आके गिरा है और इसकी जो ऊपरी छत जो आप देख रहे हैं पूरी तबाह हो चुकी है। ये आप देखिए पूरी छत ये तबाह हो चुकी है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसके नीचे जो हमारी गायें बंधी हुई थी वो सब सही सलामत है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस गौशाला के मालिक ताराचंद शांडिल ने बताया कि 29 फरवरी शनिवार की शाम 4 बजे के करीब तेज हवाओं के चलते भारी भरकम वृक्ष गौशाला पर जा गिरा, जिसके कारण छत और दीवार को काफी नुकसान हुआ है। अभी भी इस पेड़ का आधा हिस्सा ज्यों का त्यों है, जो कभी भी गिरकर फिर से नुकसान कर सकता है। पटवार वृत्त जाटला के राजस्व अधिकारी नीरज से दूरभाष पर इस संदर्भ में की गई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि रविवार को अवकाश होने के कारण सोमवार को मौका पर जाकर इस पेड़ के गौशाला पर गिरने की वजह से हुई क्षति की आंकलन रिपोर्ट तैयार करके आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दी जाएगी। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।